वैसे आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कल की स्मैकडाउन यानी कि 18 दिसंबर की स्मैकडाउन में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स एज। जी तो वैसे आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है, जिसके अंदर दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे स्मैकडाउन के प्रीव्यू की और उसके बाद जाएंगे आज दिन की 3 से 4 बड़ी खबरों के ऊपर। तो कल की स्मैकडाउन दोस्तों काफी औसम रहेगी क्योंकि ये TLC से पहले का आखिरी शो है। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहली चीज जो हम लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों बियांका ब्लेयर वर्सेस बेली के मध्य 1-on-1 मैच। तो गाइस बात करूं इस पर्टिकुलर मैच की, तो 2-3 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि कभी बेली तो कभी दोस्तों बियांका ब्लेयर एक दूसरे पर शॉट लिए ही जा रही है। जहां बात करूं बेली की तो काफी ज्यादा चलाक है और बियांका की बात करूं तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस मैच में दोस्तों प्रेडिक्ट करना मुश्किल रहेगा कि कौन जीतेगा। आप देखते हैं दोस्तों कैसा है मैच रहता है, लेकिन 100% कन्फर्म्ड है और कल के स्मैकडाउन में ओके रहेगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच आप लोगों को देखने को मिलेगा वो कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे अनुसार ये बन सकता है और ये है सिजारो वर्सेस ओटिस के मध्य। तो बीते अपने अपने देखा था कि किस तरीके से शिंश के लाला एंड जो हमारे सिजारो उन्होंने ओटिस एंड उनके मित्र यानी कि शॉर्टी जी उर्फ चैड गेबल को हरा दिया। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ हमें एक क्रॉस मैच देखने को मिल सकता है इन दोनों के मध्य, जहाँ दोस्तों ओटिस विजय रह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच आप लोगों को देखने को मिलेगा वो 100% कन्फर्म्ड है और ये होने जा रहा है WWE स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स के लिए, और ये होगा दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट्स बनाम रॉबर्ट रूड एंड डॉल्फ ज़िगलर के मध्य। तो आप जानते हैं दोस्तों जो हमारे रूड एंड डॉल्फ पहले इन्हें हरा चुके हैं, जिसके तहत दोस्तों ये मैच कल की स्मैकडाउन के अंदर रखा गया है। हालांकि इसे TLC में रखा जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन स्टिल दोस्तों कल देखने को मिलेगा। अब देखते हैं क्या यहाँ टाइटल रिटेन हो जाते हैं या फिर रूड एंड डॉल्फ चैंपियन बनते हैं। मजा आएगा, चलते हैं दोस्तों इससे अगली थिंग के ऊपर। तो इसके बाद जो अगली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी सैमी अवार्ड्स 2020। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने सही स्पेल किया है, स्लैमी नहीं दोस्तों, सैमी अवार्ड्स 2020। तो हुआ क्या कि आज दोस्तों सेमी जेन ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में दोस्तों उनका कहना यह है कि जो स्लैमी अवार्ड्स रहते हैं वो काफ़ी फन रहते हैं, काफ़ी मज़ा उनमें आता है, लेकिन वो ज़्यादातर पहले से ही फिक्स रहते हैं क्योंकि उसके अंदर जो कॉरपोरेट होते हैं यानी कि दोस्तों जो कर्ता धरता होते हैं WWE के, वही अपनी ओर से चैंपियंस या फिर कह लीजिए विजेता चूज करते हैं। तो ऐसे में कल की स्मैकडाउन के अंदर मैं अपना अवार्ड रखूंगा और वो होगा सैमी अवार्ड। अब ये अवार्ड्स किन को मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये अवार्ड्स दोस्तों मेरे हिसाब से सैमी ज़ेन सारे के सारे खुद को ही देंगे, लेकिन यहाँ बिगी उन्हें इंटरप्ट करेंगे और चैलेंज करेंगे TLC के लिए। तो देखते हैं ये प्रेडिक्शन सच साबित होती कि नहीं। मेरे अनुसार दोस्तों यही होगा और यही होना है, चलते हैं इससे अगली थिंग के ऊपर। तो भाई इसके बाद जो अगली चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगा दोस्तों एक ब्रॉल। अब ये ब्रॉल दोस्तों आपको देखने को मिलेगी साशा बैंक्स और कार्मेला के मध्य। तो आप जान चुके होंगे कि लास्ट वीक क्या कुछ हुआ था। लास्ट वीक दोस्तों जो हमारी कार्मेला है उन्होंने एक बोतल, एक शैंपेन की बोतल साशा की बैक पर तोड़ी थी। ऐसे में दोस्तों साशा कल उसी बोतल से हमला बोल सकती है कार्मेला के ऊपर। अब कार्मेला को कैसे बचना है और कैसी ब्रॉल रहती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इन दोनों के मध्य, काफ़ी बैड ब्लड है। चलते हैं अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि कल की स्मैकडाउन का रहेगा और रहेगा केविन ओवंस का हमला रोमन रेंस के ऊपर। तो रोमन रेंस लास्ट वीक हमला बोले थे, इस हफ्ते केविन ओवंस अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं बिग डॉग के ऊपर। ट्राइबल चीफ दोस्तों यहां मेरे हिसाब से बच जाएंगे और जो पीटेंगे उनकी तरफ से वो कोई और नहीं जे उसो होंगे। तो जे उसो का कुटापा कल हमें देखने को मिलने वाला है और केविन ओवंस और रोमन रेंस आखिरी बारी एक दूसरे के आमने सामने होंगे TLC से पहले। बहुत मजा आएगा। हम चलते हैं इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर यानी कि आज की अपनी खबरों के ऊपर। तो सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों WWE के बिग प्लान से। तो गाइस बताया ये जा रहा है कि WWE कुछ बड़ा करने वाली है। तो रेसल वोट समेत बहुत सारे सोर्सेस के माने तो गाइस बताया जा रहा है कि WWE वाले इस बारी की रॉ की रेटिंग से काफी ज्यादा परेशान है। इस हफ्ते दोस्तों जो रॉ की रेटिंग आई थी वो थी 1.52 मिलियन, जो कि दोस्तों लोएस्ट बताई जा रही है। अब गाइस इस पर बताया जा रहा है कि विंस मैकमैन ज्यादा खुश नहीं है इस थिंग को लेकर
और बड़े चेंजेस WWE के अंदर आने वाले हैं। WWE दोस्तों कुछ ऐसी थिंग्स आपको दिखा सकती है आगे आने वाले एक दो हफ्ते में जो कि आपने इससे पहले नहीं देखी हो। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ विंस मैकमैन करते हैं रॉ एंड स्मैकडाउन में। हम चलते हैं इससे अगली खबर के ऊपर, जिस पर जाने से पहले दोस्तों हम बात करेंगे 1xBet की। तो 1xBet दोस्तों एक ऑसम थिंग है, काफी ऑसम थिंग है। ये एक दोस्तों बैटिंग वेबसाइट है, आप समझ सकते हैं बैटिंग वेबसाइट क्या होती है, जिसके ऊपर दोस्तों आप कई खेलों के ऊपर सट्टा लगाते हैं और दोस्तों काफी बड़ी राशि कमाते हैं। इसके अंदर आप कई खेलों के ऊपर सट्टा लगा सकते हैं, जैसे क्रिकेट के ऊपर, सॉकर के ऊपर, साथ ही साथ उन खेलों के ऊपर भी जो कि भारत में दोस्तों खेले ही नहीं जाते। तो काफी ऑसम थिंग है। इसमें विड्रॉल का तरीका भी काफी ज्यादा आसान है, पेमेंट सीधे दोस्तों आपके बैंक में आती है। और अगर आप यूज करते हैं हमारा प्रोमो कोड जो कि दोस्तों हमने नीचे दे रखा है पिंड करके यानी कि कॉमेंट बॉक्स में, तो गाइस आपको मिलेंगे 100 USD। हमारा प्रोमो कोड है हिंदी गॉसिप्स का, तो अभी के अभी जाएगा, लाभ उठाइएगा। तो गाइस इससे अगली न्यूज जो आज के हमारे जुड़ी हुई जुड़ी अलेक्सा ब्लिस से। तो अलेक्सा ब्लिस से दोस्तों एक फैन ने पूछा था कि आखिर आप कहाँ गायब हो चुकी है, कुछ एक हफ्तों से नहीं दिखाई दे रही, आखिर आपके साथ माजरा क्या है। तो अलेक्सा ने कल एक पोस्ट डाल दी है इंस्टाग्राम के ऊपर, आप जाकर देख भी सकते हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिखाई दे रही है सोफे के ऊपर, कैप्शन में लिखा है कि काफी मजा आ रहा है, मैं वेकेशन के ऊपर हूँ, कडलिंग चली हुई है, टीवी देखा जा रहा है। यानी दोस्तों जो हमारी अलेक्सा है वो बिल्कुल मजे में अपने बॉयफ्रेंड के साथ दोस्तों अय्याशी कर रही है, अय्याशी वर्ड सही नहीं रहेगा, वो दोस्तों मजे ले रही है। और अलेक्सा ब्लिस दोस्तों जल्द रिटर्न करेगी मेरे हिसाब से दोस्तों, TLC के बाद ये मंजर हम लोगों को देखने को मिलेगा। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी हुई है सैथ रॉलिंस के असली चेले से। तो पास्ट में हमने सैथ के बहुत से चेले देखे, जैसे कि ऑस्टिन थ्योरी, बड़ी मर्फी, लेकिन अब असलियत में जो उनका चेला है वो WWE के अंदर एंटर होने जा रहा है। तो इसका नाम है दोस्तों बेन कार्टर। बेन कार्टर दोस्तों सैथ रॉलिंस की एकेडमी से पास्ड आउट है। सैथ रॉलिंस की एक एकेडमी है जहां रेसलिंग सिखाई जाती है, और उसके अंदर से दोस्तों ये बंदा निकलकर अब WWE का पार्ट होने वाला है, ये NXT UK का पार्ट होने वाला है। सैथ ने दोस्तों इस पर बयान ये दिया है कि ये बंदा जब US आया था तो इसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा सपने थे, अभी WWE का पार्ट होने जा रहा है तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तो आगे जाकर ये एंगल भी देखने को मिल सकता है कि सैथ का जो है चेला है जो कि असलियत में चेला है वो उनका साथ निभाए जब वो अपना रिटर्न करे। हालांकि शायद के रिटर्न की बात करूं तो वो रॉयल रंबल के अंदर या फिर उससे पहले देखने को मिल सकता है। चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों WWE TLC 2020 के एक ऐसे मैसेज जो कि हो चुका है चेंज। तो गाइस ब्रे वाइट वर्सेस हमारा रैंडी ऑर्टन का मैच अब हल्का सा चेंज हो चुका है। तो आप जानते हैं दोस्तों इस हफ्ते रॉ के अंदर क्या हुआ था, इस हफ्ते रॉ के अंदर दोस्तों रैंडी ऑर्टन ब्रे को ताबूत में डालते हैं, आग लगा देते हैं, लेकिन उसके अंदर से फिंड निकल जाता है जो कि दोस्तों उन्हें चोक आउट कर डालता है। WWE वालों ने इसे ताक पर रखते हुए अब इनके मैच की स्टिपुलेशन चेंज कर दी है, और अब ये कोई नॉर्मल मैच नहीं होगा, ये होगा एक फायर फ्लाई इन्फर्नो मैच। जी आपने बिल्कुल सही सुना, एक इन्फर्नो मैच, वो भी फायर फ्लाई फन हाउस में, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। हालांकि दोस्तों अभी तक क्लियर नहीं हो पाया ढंग से कि स्टिपुलेशन किस तरीके की रहेगी, क्योंकि इन्फर्नो मैच वो होते हैं जिसके अंदर चारों तरफ आग लगाई जाती है रिंग के और अंदर रेसलर्स लड़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा अब, थोड़ा मतलब दोस्तों बहुत ज्यादा डिफरेंट रहेगा। और देखते हैं कौन इसमें विजय रहता है, आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं, रैंडी का या फिर ब्रे वाइट का, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम पर फॉलो जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत से पहले थैंक्स टू आवर प्रीशियस मेंबर्स आज तक के लेट नहीं, धन्यवाद, शब्बा खैर।